हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिजाइनर बॉर्डर के साथ राउंड शेप में ये डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। आप इसको डोरमेट बना के भी यूज कर सकते हो, पूजा का आसन बना सकते हो, टेबल मैट बना सकते हो। ये देखिए, ये इसमें फ्रेंड्स मैंने मल्टी कलर से बनाया है। आप इस ये अंदर जो कली मैंने दो कलर से बनाई है, आप इनको सिंगल कलर से भी बना सकते हो और हर कली अलग अलग कलर से भी आप इसको बना सकते हो, और आप जितना मर्जी इसको बड़ा बना लीजिए। आज मैं 40 फंदे पे आपको बताऊंगी कि 40 फंदे से हम इसको कैसे बनाएंगे, तो काफ़ी बड़ा बन के कम्प्लीट होगा ये। तो डिज़ाइन को एंड तक देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन को समझने के लिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा। और अगर ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 8 नंबर की नीडल का मैंने इसमें यूज किया है, और ये देख सकते हो आप, ये इतनी चौड़ी चौड़ी मैंने ये चुन्नी की ये पट्टियाँ बनाई हैं, ये देखिए। और पट्टियाँ बना के ऐसे मैंने रोल बना लिया है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके के फंदे बताऊँगी फ्रेंड्स, जो बिगिनर्स भी बहुत ही आसानी से इसको बना लेंगे। ये देखिए, सिंपल हमने एक इसमें नोट लगाई और ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे। ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें 40 फंदे डाल लेती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए, 40 फंदे फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल लिया है। 40 फंदे का ये काफ़ी बड़ा बन के कम्प्लीट होगा। जैसे आपको पूजा का आसन बनाना है तो आप इसमें 40 फंदे डाल लीजिए। सबसे पहले देखिए, हम एक इसमें बेसिक रो बनाएंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल ही सिंपल फंदे डाले हैं, तो हम इसमें एक ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के दूसरे नीडल पर सारे ही फंदे हम ले लेंगे। ये देखिए, तो इस रो को मैं ऐसे ही बनाती हुई कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, एंड में आ गई हूँ मैं, जिसकी हमने नोट लगाई थी इसको भी हम बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे मैंने बना लिए हैं। अब देखिए, यहाँ से हम अपना इसमें बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। तो बॉर्डर के लिए देखिए, मैंने ब्लैक लिया है, ध्यान से देखिए। 2 फंदे में इसको भी आप इसी में ले लीजिए, या आप यहाँ पे नोट लगा लीजिए। 2 फंदे मैंने बनाए ब्लैक के, और ये रेड वाला है, इसको भी हम ऐसे ही दबा लेंगे। ध्यान से देखिए, 1 और ये 2 बनाए रेड से, फिर हम 2 बनाएंगे ब्लैक से। आप यहाँ पे फ्रेंड्स अपनी चॉइस से, आप इसमें जितना भी आपको चौड़ा बॉर्डर बनाना है, इसमें मैंने 6 फंदे का बनाया है, आप ये देख लीजिए। लेकिन ये मैं आपको बड़ा बना के, बड़ा डोरमेट बनेगा तो आप यहाँ पे 8 फंदे या 10 फंदे भी बॉर्डर के रख सकते हो। देखिए, 2, 4, 6 और 8, हम इसमें 10 फंदे बॉर्डर के रखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा डोरमेट बन के कम्प्लीट होगा। ये देखिए, ये बॉर्डर फ्रेंड्स हमारा एंड तक ऐसे ही चलेगा, हमने इसमें फंदे चेंज करते जाना है। आगे हम यहाँ पे जो आपका बेस कलर है उसी को लगाइए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे हमने फ्रेंड्स ये ऊपर ले लिए हैं। अब देखिए, नीचे हम अपनी कली बनाएंगे। कली के लिए आप जोड़े से फंदे रखिए, और जोड़े से फंदे आप इसमें डालिए, 1, 2, इसको आप इसमें दबा लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। ये देखिए, ये फंदे मैंने कली के लिए लिए हैं। आप यहाँ पे फ्रेंड्स कम भी ले सकते हो, दस फंदे भी ले सकते हो, बारह भी ले सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। राइट साइड से देखिए, जो जैसा कलर है हमने वैसा ही बनाना है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये रो आपने हर बार ऐसे ही उतारनी है। जो जिस कलर का फंदा होगा उसी कलर से आपने इसको बनाना है, इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। ये देखिए, ये हमने कली के लिए बना लिए। अब पट्टी को पीछे करेंगे, पीछे से दूसरी पट्टी इसको आगे लेके आएंगे ऐसे क्रॉस करके, और आगे के फंदे हम इससे बना देंगे। इस रो को आप ध्यान से देखिए, बार बार दिखाऊंगी तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेम आपने ऐसे ही करनी है, जो जिस कलर का फंदा होगा आपने उसी कलर से बनाना है। आप देखिए, अब ये आ गए हमारे बॉर्डर के फंदे हमने हर बार ऐसे चेंज करने हैं। ये पीछे जाएगा, पीछे से ब्लैक आगे आया, दो हमने ब्लैक के बना दिए। ध्यान से देखिए, फिर पीछे करेंगे, फिर ये आगे लेके आएंगे, दो हम रेड के करेंगे। सीधी साइड से ये हमारी सीधी साइड बनेगी, सीधी साइड से हमने ऐसे ही बनाना है। जब भी बॉर्डर के चेंज करेंगे तो हम दूसरी साइड से फंदे चेंज करेंगे। ये देखिए, पीछे कर देंगे, पीछे से आगे ले आएंगे। ये देखिए, ये लास्ट वाले को, किनारे वाले को हम सीधा बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी साइड है। अब फिर से इस साइड देख लीजिए, ये फंदे हमने हर बार चेंज करने हैं। जो ब्लैक थे ये देखिए, रेड थ्रेड आगे ले आएंगे, ये दो हम रेड से बना देंगे। ये एंड तक आपने ऐसे ही करना है, हर बार आपने फंदे चेंज करने हैं। ये देखिए, जो रेड थे वो ब्लैक हो जाएंगे, जो ब्लैक थे वो रेड हो जाएंगे। ये जो 10 फंदे हैं ये आपने ऐसे ही बनाने हैं। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये आपने हर बार ऐसे ही चेंज करने हैं। बैक साइड से भी हम इसको बहुत सफाई के साथ बनाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और इस बार हम ये 10 फंदे बनाएंगे। ये दो फंदे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, अब ये कली को हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे। हर बार इसमें दो दो फंदे ऊपर की तरफ ऐड करते जाएंगे, यहाँ तक आ जाएगा, ये कलर कम हो जाएगा और ये ऊपर तक आ जाएगा। हर बार आपने ऐसे ही बनाना है। अब मैं इसको आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। आगे देखिए, ये सारे फंदे हम तीन, दो, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, ये हम 16 ही फंदे लेके चलेंगे। दो फंदे हम पीछे छोड़ देंगे और यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको मैं कली को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी। दो दो फंदे इसमें हर बार ऊपर की तरफ जाएंगे और पीछे दो दो फंदे हम छोड़ देंगे, और बॉर्डर के फंदे हम ऐसे ही चेंज करेंगे। इस बार ये रेड हैं जो ब्लैक हो जाएंगे, जो ब्लैक हैं वो रेड हो जाएंगे, ये ब्लैक, ये रेड और ये ब्लैक, और आगे का ऐसे ही चलेगा। तो मैं इसको कली को यहाँ तक ले आती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ऊपर तक आ गई हूँ छोड़ते हुए। ये 10 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं, ये 2 फंदे हमारे बचे हुए हैं। तो लास्ट के 2 फंदे मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स बिगिनर्स को कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए, फिर से हम हर बार की तरह कलर चेंज करेंगे। ये आप बड़ा छोटा 6 फंदे का भी बना सकते हो, 8 फंदे का भी बॉर्डर बना सकते हो। ये देखिए, लेकिन आपने हर बार बैक साइड से इसका फंदों का कलर चेंज करना है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2-2 फंदे ले रखे हैं। आप एक फंदा एक एक भी यहाँ पे आप बॉर्डर में सेट कर सकते हो। जैसे मैंने 2-2 ब्लैक 2 रेड, तो आप एक ब्लैक एक रेड ऐसे भी आप कर सकते हो। ये देखिए, और ये लास्ट के फंदे भी हम बना लेंगे। ऊपर तक आ गए हैं बिल्कुल। ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 16 फंदे मैंने कली के ले लिए हैं, 2 मैंने पीछे छोड़ दिए हैं। ये देखिए, यहाँ तक हमारा ये कली आ गई है। राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कली बनके कंप्लीट हो गई है, हाफ हमारी ऊपर तक आ गई है और ये हमारा बॉर्डर है। अब देखिए, हर बार की तरह ये बॉर्डर के फंदे मैं चेंज कर दूंगी। ये देखिए, बॉर्डर के फंदे हमारे चेंज हो गए। ये आपने हर बार एंड तक ऐसे ही चेंज करते जाना है। ये देखिए, और अब हम फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, ये जो बीच में जो आउटलाइन है, ये अब हम ये देंगे कली के बीच में। तो ये सारे ही फंदे हम रेड से बना देंगे। ये देखिए, एक कलर के फंदे हम इसमें कर लेंगे, और जो हमने 2-2 करके फंदे छोड़ रखे हैं वो भी हम सारे ही बना लेंगे। बहुत बड़ा बनके डोरमेट बनके कंप्लीट होगा फ्रेंड्स ये। अगर आपको पूजा का आसन बनाना है तो आप 40 फंदे से बना लीजिए। अब देखिए, ये भी आप देख लीजिए फ्रेंड्स, जब आपकी इतनी बड़ी पट्टी रह जाए तब हम इसमें ज्वाइंट लगाएंगे। तो देखिए, ज्वाइंट कैसे लगाएंगे, दूसरी पट्टी लेंगे, इसके अंदर ऐसे रखेंगे। जब भी हम साड़ी और चुन्नी से बनाते हैं तो हम इसमें नोट नहीं लगाते, ऐसे ही बहुत ही इजीली हमारा ज्वाइंट इसमें लग जाता है। ये देखिए, थोड़ा सा आप हाथ से पकड़ के रखिए, इसको भी आप ऐसे अंदर दबा दीजिए। पूरा बनने के बाद फ्रेंड्स, आपको भी पता नहीं चलेगा आपने कहाँ इसमें ज्वाइंट लगाया था। ये बैक साइड से भी और इस साइड से, बैक साइड से और इस साइड से बहुत ही सफाई के साथ ही हमारा बनके कंप्लीट होगा। बाद में हम फिनिशिंग करेंगे तो ये इनके हम ये काट देंगे, क्योंकि ज्वाइंट हमारा पक्का हो गया है। ये देखिए, जो 2-2 करके फंदे छोड़ रखे थे, ये हम सारे ही फंदे बना लेंगे। ये देखिए, सीधी साइड से भी इस रो को मैं उतार के कंप्लीट करूंगी। फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतार लेंगे और ये पूरी रो में जो जिस कलर का है मैं वैसा ही बनाऊंगी। पूरी रो मैंने ये उतार ली है, सारे फंदे हमारे रेड हो गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब तक हम ये कली को ऊपर की तरफ लेके आए थे, लेकिन अब हम ये बनाएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो वो कैसे, मैं आपको देखिए, फिर से हम अपना
बॉर्डर का कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले तो जो रेड के हैं वो मैं ब्लैक से बना दूंगी, जो ब्लैक हैं वो मैं रेड से बना दूंगी, जो रेड है वो ब्लैक से। ये देखिए, आपने ये हर बार ऐसे ही करना है फ्रेंड्स, नहीं तो हमारा बॉर्डर ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच, ऐसे गिन लीजिए, क्योंकि आगे हमारे एक जैसे ही फंदे हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से कली की फिर से स्टार्टिंग करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह। सोलह जितने भी फ्रेंड्स आपने कली के लिए फंदे लिए हैं, दोबारा से फिर आपने ऐसे ही इसकी स्टार्टिंग करनी है और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बना के इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, बॉर्डर के मैंने 10 फंदे चेंज कर लिए हैं। अब आगे ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इसमें मैं 2 फंदे और ऐड करूँगी। उससे पहले देखिए एक बार और देख लीजिए, क्योंकि चुन्नी है फ्रेंड्स और चुन्नी की थोड़ी छोटी छोटी पट्टियाँ हैं। ये देखिए, अब ऊपर से हम फिर से इसमें 2 फंदे रेड के बनाएंगे और आगे के फंदे हम कली के बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और एक आगे से ले लेंगे पंद्रह और एक और ले लेंगे सोलह। 2 फंदे ऊपर से कम हुए तो 2 फंदे हमने नीचे से ले लिए। दो दो करके हम ये सारे फंदे ऐड कर लेंगे, 2 फंदे हमारे फ्रेंड्स बच जाएंगे। ये सारे फंदे मैं इसमें ऐड कर लूँगी और ऊपर यहाँ से हमारे ये रेड कलर के बढ़ते जाएंगे। एक बार मैं और आपको दिखाऊँगी। अब ये कली ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बनाऊँगी। ये देखिए, सीधी साइड से रो उतार के और ये बॉर्डर के मैंने फंदे चेंज कर लिए हैं। एक बार और देख लीजिए फ्रेंड्स, पिछली बार मैंने इसमें 2 फंदे ऐड किए थे रेड कलर के, 2 मैं इसमें और ऐड कर लूँगी। ऊपर से ये रेड हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे और आगे हम कली के बनाएंगे। 16 फंदे हैं फ्रेंड्स कली के, अब ये 14 फंदे रह गए तो मैं 2 फंदे इसमें नीचे से ऐड कर लूँगी। हर बार हमने ऐसे ही करना है, ऊपर से रेड कलर के फंदे बढ़ते जाएंगे, कली नीचे उतरती जाएगी और नीचे से हम 2 फंदे ऐड कर लेंगे। जब हम हाफ कली बनाते हैं तो 2-2 फंदे हम नीचे से छोड़ते हैं। अब हम इसमें ऊपर से नीचे की तरफ हम आए हैं तो ये देखिए, ये 2 फंदे मैं इसमें ऐड कर लूँगी और मैं यहीं से वापस मुड़ जाऊँगी। 2-2 करके हम ये सारे ऐड कर लेंगे 2 फंदे बचने तक। 1 2 3 4 चार बार मैं ये इसमें ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर हमारे रेड फंदे बढ़ गए हैं, ये नीचे हमारे 2 और बचे हुए हैं, इनको भी मैं इस बार ऐड कर लूँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, हर बार की तरह मैं ये बॉर्डर चेंज करूँगी। इसको मैं चेंज करती हूँ, यहाँ तक आ जाती हूँ। ये देखिए, एंड तक आ गई हूँ मैं बनाती हुई। ये देखिए, 2 फंदे मैं इसमें लास्ट के ऐड कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने कली की स्टार्टिंग ऐसे ही की थी, 2 फंदे छोड़े थे, 2 फंदे हमारे बच गए और कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई। और साइज़ देखिए आप, बहुत बड़ा साइज इसका बना है। राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बना के इसको कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, बॉर्डर के फंदे मैंने चेंज कर लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कली हमारी बन के कम्प्लीट हो गई, 2 फंदे लास्ट में बचे हुए हैं।
तो अब हम ये सारे ही फंदे एक कलर के कर लेंगे, क्योंकि वो हम रेड फंदे बनाएंगे। तो मैं ये सारे ही फंदे एक कलर के कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ तक ये हमारे फंदे हैं रेड। आगे जो भी आपने कलर लगाया है, इस रो में सारे ही फंदे आप बना लीजिए। देखिए, पूरी रो एंड तक हम एक ही कलर से बना लेंगे। कली कंप्लीट हो गई। अगली कली की स्टार्टिंग करके बताऊंगी फ्रेंड्स मैं आपको। ये दो फंदे भी हम बना लेंगे। देखिए, राइट साइड से फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतार लेंगे और इस पूरी रो को मैं बना के कंप्लीट करूंगी, जो जैसा जिस कलर का है वैसा ही। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ी कली हमारी बन के कम्प्लीट हुई है, ये आप देख सकते हो। और ये बॉर्डर के मैंने इस साइड से बना लिए हैं 10 फंदे। बॉर्डर फ्रेंड्स हमारा ऐसे ही चलेगा एंड तक, बिल्कुल ये हमारे फंदे चेंज हो जाएंगे। अगर आपको इसी कलर से बनानी है दूसरी कली, तो आप यहाँ से यही कलर ये वाला लगा लीजिए। अब मैंने जैसे बना रखी हैं एक छोड़ के एक, तो ऐसे आमने सामने सेट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर आपको दूसरा एक बार कलर लगा के दिखाऊँगी और कली की स्टार्टिंग करके बताऊँगी। देखिए, फिर से हमने अपने फंदे अलग अलग करने हैं। ये हम रखेंगे बेस के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और यहाँ से हम इसमें एक कलर और लगाएंगे, कोई भी आप कलर इसमें लगा लीजिए। ये देखिए, 1, 2, इनको आप इसी के अंदर दबा लीजिए और लास्ट में फिनिशिंग करो जब आप इनको काट दीजिए, क्योंकि ज्वाइंट हमारा पक्का हो गया। ये देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, और दो फंदे हम पीछे छोड़ देंगे। इस रो में हम अपना कलर एडजस्ट कर लेंगे सीधी साइड से फ्रेंड्स, जो जैसा वैसा ही बनाएंगे। और फिर दो दो फंदे ऊपर की तरफ यहाँ तक आ जाएंगे और पीछे दो दो फंदे छोड़ देंगे, जैसे हमने ये बनाई थी। फिर जब यहाँ तक आ जाएंगे, तो एक बीच में आप ऐसे जो भी आपने कलर लगाया है बेस कलर, इस साइड में पूरी रो उतार लीजिए, दो एंड के फंदे भी बना लीजिए। फिर हम ऊपर से स्टार्टिंग करेंगे। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे कली के लिए जैसे ये फंदे लिए हैं 16, इसी फंदे से आपने ऊपर से स्टार्टिंग करनी है और नीचे की तरफ आपने उतरते जाना है। जब आप ऐसे ही बनाओगे इसी पैटर्न के साथ, तो कुछ इस तरह से इसकी बन के लुक आएगी। तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है फ्रेंड्स, और बहुत ही आसान है बनाने में। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।